जियो रिचार्ज के में आपको 50 रुपये तक का जो है कैशबैक ऑफ़र, एग्जाइटिंग ऑफर्स और मोबाइल रिचार्ज 300 रुपये तक का कैशबैक। उसके बाद सेंड मनी, अगर आप किसी को मनी भेजते हैं किसी भी बैंक अकाउंट में किसी के में, तो 100 रुपये से और 50 रुपये तक का जो है पहले ट्रांजेक्शन में आपको 100 रुपये मिल रहा है और पाँचवें ट्रांजेक्शन में आपको 50 रुपये का कैशबैक। रिफ़र अगर करते हैं तो 100 रुपये का, और मोबाइल में बहुत सारे एग्जाइटिंग ऑफ़र, 30% कैशबैक आपके पहले मोबाइल रिचार्ज में, और आपको जो है अलग अलग रिचार्ज, जिसमें दूसरे नंबर के रिचार्ज में आपको 5 रुपये और तीसरे नंबर रिचार्ज में आपको जो है तीसरी बार के रिचार्ज में 15 रुपये का, और वोडाफोन के रिचार्ज में आपको 30 रुपये का कैशबैक प्लस अनलिमिटेड कॉल और 1 GB एक दिन के लिए। उसके बाद साथ ही जो है आप अगर कोई इसमें से ख़रीदते हैं ऑनलाइन चीज़, जैसे शर्ट वगैरह, कोई बैग, अपना डेली यूज की चीज़ें, तो 15% का कैशबैक। टिकट वगैरह, आप बस की टिकट अगर आप यहाँ पर बुक करते हैं अभी bus.com से, तो 100 रुपये का कैशबैक, और अगर आप कोई मूवी टिकट ख़रीदते हैं तो आपको 25% का कैशबैक, और स्टैंडर्ड चार्टेड अकाउंट होल्डर्स के लिए 100% का कैशबैक, और अगर आप जो है COD कैश ऑन डिलीवरी मंगाते हैं फ़ोनपे ऐप के थ्रू से, तो आपको 150 रुपये का कैशबैक, और अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल देते हैं तो 100 रुपये से लेके 50 रुपये तक का आपको कैशबैक मिल रहा है। तो दोस्तों इतने सारे जो है यहाँ पर कैशबैक ऑफ़र सिर्फ़ और सिर्फ फ़ोनपे ऐप में ही मिलेंगे, और जो लोग चीन का विरोध करते हैं, तो चाइनीज़ चीज़ों का विरोध करते हैं, तो वो पेटीएम छोड़कर जो है फ़ोनपे यूज कर सकते हैं, क्योंकि फ़ोनपे 100% जो है इंडियन ऐप है, और सबसे बड़ी खासियत आप इसमें से किसी भी बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं विदाउट कोई चार्जेस के, और ज़रूरी नहीं है कि आपके वॉलेट में पैसे हों और दूसरा यूजर्स भी आपका फ़ोनपे ही यूज़ कर रहा हो। आप सिंपली अपने बैंक अकाउंट से उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिना कोई एक्स्ट्रा चार्जेस के, और साथ ही आपको इसमें कैशबैक भी मिल रहा है। तो दोस्तों चलिए, इतने सारे ऑफर्स के बाद जो है अगर आप इसे इंस्टॉल करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से जाके आप जो है डाउनलोड कर लीजिए, और फिर मैं बताता हूँ आपको कि कैसे इसे जो है आपको आगे एक्टिवेट करना है। तो दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक से आप इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए, उसके बाद इसे आप ओपन कर लीजिए। देखिए सबसे पहले आपको बोलेगा सिलेक्ट लैंग्वेज, तो आप जो भी लैंग्वेज में इसे जो है ऑपरेट करना चाहते हैं उस लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लीजिए। मैं अभी इंग्लिश में कंटिन्यू कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कुछ जो है फ़ोनपे ऐप के बारे में बताया है, देखिए इसको आप जो है स्किप करते हुए अब रजिस्टर कर लीजिए। तो रजिस्टर करने के लिए आपके, देखिए आपके मोबाइल में सबसे पहले क्या आएगा, ये इंटरफेस रहेगा, तो आप यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का ऑप्शन आएगा, SIM 1 या SIM 2। कुछ मोबाइल फ़ोन्स में इस तरीके का ऑप्शन आता है कि जो है डुअल सिम मोबाइल्स, तो उसमें जो है आपको अगर इस तरीके का ऑप्शन नहीं आता है तो आपको क्या करना चाहिए कि जो आपका बैंक अकाउंट में नंबर रजिस्टर्ड है उस नंबर को चालू रखिए, और दूसरे नंबर को जो है आप बंद कर दीजिए कुछ देर के लिए। अभी मेरा जो है SIM 2 में है, तो मैं इसको SIM 2 में सिलेक्ट कर लिया, मेरा जो बैंक अकाउंट है रजिस्टर नंबर, और यहाँ पे सेंड SMS पे क्लिक कर देना है। इसमें क्या होगा कि एक मैसेज सेंड होता है, उसके आपको 1 रुपये का कॉस्ट लगेगा, तो ये देखिए 1.5 रुपये का, सॉरी, तो आपको जो है 1.5 रुपये मिनिमम उस मोबाइल नंबर पे रखना ज़रूरी है। उसके बाद जो है इस साइन इन, यू ऑलरेडी हैव अ फ़ोन पे अकाउंट, प्लीज़ साइन इन टू कंटिन्यू बोल रहा है। मैंने जो है दोस्तों पहले इसमें अकाउंट बना लिया था, इसलिए जो है ये बोल रहा है कि साइन इन के लिए, तो अब मैं सिंपली जो है मेरा पासवर्ड यहाँ पे एंटर करूँगा और मेरा हो जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा कि बैंक आपका जो है उसमें जैसे ही आप सेंड SMS करेंगे तो आपके पास एक कोड आएगा, वो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा और आपका बैंक का जो है आ जाएगा, जैसे IDBI बैंक में है तो IDBI बैंक आ जाएगा, और SBI है तो SBI बैंक, उसमें फिर डन कर दीजिएगा और एक UPI पिन
छः अंक का जनरेट कर दीजिएगा। तो मैं चलिए यहाँ पे जो है इसको, तो मैंने यहाँ पे जो है मेरा पासवर्ड डाल दिया है, अब मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। देखिए इस तरीके का कुछ इंटरफेस होगा। आप यहाँ पे सेंड मनी देखिए जियो का दे रहा है 49 रुपये में जो है। आप मेंबरशिप जियो प्राइम मेंबरशिप कर सकते हैं, इसमें जो है 50% कैशबैक है और प्लस 9 रुपये आपको अलग से कैशबैक मिलेगा। तो आप बहुत सारे ऐप में अभी जो है जियो का रिचार्ज का ऑप्शन नहीं दे रहा है, लेकिन फ़ोनपे ऐप में जियो मोबाइल रिचार्ज का ऑप्शन दे रहा है। यहाँ से आप जो है अकाउंट में किसी के भी, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि किसी का भी जो है नया जैसे डालना है तो आपको यहाँ पे आईएफएससी कोड डाल देना है, नीचे अकाउंट नंबर डाल देना, उसके बाद जो है उसके नीचे आपको कंफर्म अकाउंट नंबर डालना है और अकाउंट होल्डर का नाम, जिसके अकाउंट में आप भेजना चाहते हैं उसका नाम क्या है उसके अकाउंट में वो नाम भेज दीजिएगा, और चाहे तो आप उसका निक नाम कुछ भी भेज सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे कंफर्म पे क्लिक करना है। आपको फिर उसके बाद जो है जितना रुपए भेजने हैं आप उतना एंटर करके कंफर्म कर दीजिएगा, तो आपके पास जो है बैंक से एक मैसेज आ जाएगा, वो कोड आप डाल देंगे तो सिंपली जो है आपका तुरंत वो पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और आप और एक चीज़ बता दूँ कि अगर जैसे आपका कोई दोस्त उसने भी अगर फ़ोनपे अकाउंट बना लिया है तो आप सिंपली उसने जिस नंबर पे अकाउंट बनाया है वो नंबर डाल के भी जो है आप उसको पैसे भेज सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है और भी हैं, रिक्वेस्ट आप कर सकते हैं किसी से, बिल पेमेंट कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज, डाटा कार्ड, DTH, ब्रॉडबैंड, इलेक्ट्रिसिटी बिजली का बिल यानी लैंडलाइन, इंश्योरेंस, गैस कनेक्शन का भी जो है यहाँ पर आप कर सकते हैं। आपको यहाँ पर जो है आपका जैसे ये बैंक अकाउंट्स लिखा है, यहाँ मेनू में जाके बैंक अकाउंट्स में आप करेंगे तो आप जो है अपना बैंक अकाउंट जोड़ सकते हैं यहाँ से, जिससे आपको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। तो अभी मेरा देखिए यहाँ पे दे रहा है बैंक, सिलेक्ट बैंक बोल रहा है, तो आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है वो सिलेक्ट कर लीजिए। मेरा IDBI में है तो मैं IDBI सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे आपका ऑटोमेटिकली जो है यहाँ डिटेक्ट हो जाएगा। देखिए मेरा यहाँ पे जो है IDBI का अकाउंट नंबर और यहाँ पे पीथमपुर लिख के आ रहा है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सेट UPI पिन, ये 6 अंक का होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो है अपने डेबिट कार्ड को साथ में रखना है। आपको डेबिट कार्ड के जो है ना जो 16 अंक का नंबर होता है कार्ड नंबर, वो कार्ड नंबर डाल दीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे जो है मेरा 16 अंक का कार्ड नंबर डाल देता हूँ। एक चीज़ ध्यान रखिए, आपको जो है यहाँ पे डेबिट कार्ड का लास्ट 6 डिजिट जो है एंटर करना है। आपको उसके नीचे जो है जो मंथ में आपका एक्सपायरी डेट लिखा रहता है डेबिट कार्ड के नंबर के नीचे, वो एक्सपायरी डेट डाल देना है। तो चलिए मैंने जो है अपना ये फिल कर लिया है, अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं। योर बैंक इज सेंडिंग एन OTP के, बैंक से अभी एक OTP मैसेज आ जाएगा। देखिए OTP आ गया और उसके बाद जो है अपने आप ये डिटेक्ट कर लिया। तो आपको अब जो है यहाँ पे 6 अंक का एक UPI पिन, जो आपको यानी कि कहीं पे पैसे ट्रांसफ़र करते हैं कोई सा भी ट्रांजेक्शन पर आपको ये पूछा जाएगा, तो आपको वो सेट करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे जो है एक पिन डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो है पिन डाल दिया है, उसके बाद यहाँ पे राइट पे क्लिक कर देना है, फिर यहाँ पे कंफर्म पिन बोल रहा है। अब क्या आपको फिर से दोबारा वही पिन डाल के यहाँ पे राइट पे क्लिक कर देना है। अब आपका जो है ये सक्सेसफुली चेंज द UPI पिन, अब आपका यहाँ पर इसको डन कर दीजिए। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है मेरा अकाउंट का कार्ड आ चुका है। आप यहाँ से जो है रिक्वेस्ट बैलेंस भी कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से आप अपना बैंक का जो है बैलेंस भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके।